सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम दो नई अपडेट्स को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को उनके बारे में बता देता हूं। तो वैसे तो जो है आप लोगों ने इसके बारे में थंबनेल और टाइटल के ऊपर पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो की पहली अपडेट है ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट के FSB को लेकर के रहने वाली है। और जो वीडियो की दूसरी और आखिरी अपडेट है ये आपके इंडियन एयरफोर्स के एडमिट कार्ड को लेकर के रहने वाली है कि कब तक जो है आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स के एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे और साथ ही जो है आपका एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहा है। और इसके अलावा इस बार जो है आपके अग्निवीर योजना के तहत एयरफोर्स में टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए रहने वाला है। और साथ ही जो है अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल अपडेट को लेकर के। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स ने भी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 01/2023 बैच इंटेक का जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिया है, और जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है और साथ ही जो है PSB को क्वालिफाई कर लिया है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो है कोस्ट गार्ड ने FSB यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होता है उसके लिए डेट्स को डिक्लेयर कर दिया है। और आपका जो FSB है ये आपका 24 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है जो कि आपका नोएडा पे होता है, ठीक है। यानी कि जो कोस्ट गार्ड का नोएडा सेंटर है वहां पे आपका FSB होता है। और इसके लिए जो आपके कॉलअप लेटर्स होते हैं यानी कि जो एडमिट कार्ड, वो आप लोगों को अपनी ऑफिशियल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर जो है 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने भी इस प्रोसेस को क्वालिफाई किया है तो आप लोग जो है अपने FSB के जो एडमिट कार्ड्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ ही जो है आप लोगों को कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट और कोस्ट गार्ड की नाविक GD, DB और यांत्रिक की जो न्यू वैकेंसीज हैं वो भी आप लोगों को इसी जुलाई मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, साथ ही जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा textbook.com और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट लगाने के लिए जो है textbook को प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर जो है मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाती है। और साथ ही जो है इन्हीं टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है, तो वो भी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, textbook पास को जो है परचेस करने के लिए लिंक्स आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और यहाँ पर जो है आप लोगों को एक ही पास के अंदर सभी एग्जाम्स के लिए एक्सेस भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग जो है हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करते हो तो आप लोगों को जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके वीडियो की दूसरी अपडेट को लेकर के जो कि आपकी रहने वाली है इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग। तो इसमें हम बात करेंगे कि इस बार जो है आपके इंडियन एयरफोर्स के कितने जो है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं, और साथ ही जो है आप लोगों का एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाला है, और जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल जो है इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा ट्वीट करके बताया है कि इस बार जो है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं वो आपके 7,49,899 एप्लीकेशन रिसीव किए गए हैं, ठीक है, जो कि पिछले बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इस बार जो है आपका कॉम्पिटिशन भी थोड़ा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो है उसी लेवल पर अपनी तैयारी करनी है तो अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, और textbook की सहायता से जो है मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज ज़रूर से लगाइएगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से शुरू हो रहा है और एडमिट कार्ड कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपका जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो आप लोगों का 24 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है, और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपकी एग्ज़ाम डेट से जो है 48 to 72 hours पहले आपको जो है अपनी ऑफिशियल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। आपका एग्ज़ाम जो है वो 24 तारीख से शुरू होगा जो कि 3 से 4 दिन लगभग चलेगा, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम से 72 hours पहले जो है आपको ऑफिशियल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिनका एग्ज़ाम 24 का होगा, ठीक है, तो उनको जो है अपना जो एडमिट कार्ड है वो 21 या 22 को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन के स्क्रीन
स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो कि फेज़ वन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंट प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर फेज़ वन ऑफ टेस्टिंग ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी 48 to 72 hours प्रायर ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को जो है सारी जानकारी समझ में आ गई होगी और वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।